फिर से हम आए हुए सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं और आप सबको मुबारकबाद देते हैं चिले कलाम के पहले दिन की। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया भर भी अदा करना चाहते हैं हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के भाइयों का, जो आज इस रिवायती घंटाघर लोकेशन से इस हिस्टोरिक फैशन वॉक को, हेरिटेज वॉक को जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया तक लेके जाएंगे। फैशन डिजाइनर हैं कश्मीर वैली के और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और कश्मीर हेरिटेज में तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां पर न सिर्फ हम कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं बल्कि मेरा नाम कामरान है। कश्मीर हेरिटेज वीक जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैं उसका एक मेन ऑर्गेनाइज़र हूँ। हमारा मुद्दा मकसद यही है, आज कश्मीरी जो इंटरनेशनल फेरन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही मकसद है। जो हमारा फेरन है, जो हम अपने कल्चर को, अपने अटायर को लोग भूल चुके हैं, हम उसको वापस ही रिवाइव करें, लोगों तक ये फेरन पहुँचाए। और ये फेरन खाली यहाँ तक नहीं, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने जो फेरन्स बनाए हैं उसमें डिफरेंट डिज़ाइंस है, तो लोग वो डिज़ाइंस पहन के बाहर अपने ऑफिस वगैरह हर कहीं जाए, और ना ही यहाँ के लोग बल्कि बाहर के जो भी लोग हैं जहाँ पे सर्दियाँ होती है उनके लिए भी जो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं वो जैकेट्स वगैरह छोड़ के हमारा फेरन पहने, और तब जाके हम कश्मीरियों को ये चीज़ देख के प्राउड होगा। यही हमारा मकसद है कि हमारे फेरन को ग्लोबली पहना जाए। तो कितनी प्राउड मूवमेंट है जो है धीरे धीरे फेरन को आगे ले जा रहा है, क्योंकि हम देख जा रहे थे कि ये सिर्फ कश्मीर में कर रहा था और कुछ बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी प्राउड मोमेंट है कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की जो हमारे फेरन को लेके जा रहे हैं बाहर। तो अभी हमारा भी यही मकसद है कि हम अपने फेरन को खुद से बाहर लेके जाए। इस शो से बस यही मैसेज आ रही है लोगों तक, ये हम कहना चाहते हैं कि जैकेट्स वगैरह तो हम पहनते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे लेकिन अपने कल्चर को भूल रहे। मेन मकसद हमारा यही है, तो अपना कल्चर है उसको आगे पहनो। सर्दी से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका फेरन है, तो हम उसको क्यों भूल रहे। हम फेरन पहने और अपने पूरे कश्मीर को इस चीज़ को लेकर प्राउड होना चाहिए कि नहीं, फेरन जो है हमारा वो सबसे बेस्ट अटायर है। हमारा कल्चर है चिले कलान है, तो नेचुरली वेलकम लगता तो नहीं है चिले कलान है आज, बिकॉज जिस तरह धूप निकली हुई है, बट अच्छी बात है क्योंकि हमारा एक कल्चर है, एक हमारा एक ट्रेडिशन रह चुका है कि हमें जी इस दिन विंटर स्टार्ट हो गया है, तो अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। फेरन डे है, सो लेट इट बी एन इंटरनेशनल फेरन डे। जब इंटरनेशनल डेज इतने मनाए जाते हैं तो कश्मीर के कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट किया जाएगा। प्लीज स्टॉप। सो हमारे कश्मीर के कल्चर को डेफिनेटली विल प्रमोट।
जहाँ तक कोर्स मैंने हर साल ही बनाती हूँ, हर साल पहनती हूँ। मैंने यहाँ ही नहीं, मैंने आउटसाइड इंडिया भी मनाया है। सो डेफिनेटली आई विल प्रमोट माय कल्चर। देखिए, सबसे पहले आप सबको इंटरनेशनल फेरन डे मुबारक हो और चिलाई कलान की आमद मुबारक हो। एक जमाना था जब कश्मीरी चिलाई कलान से डरता था, बर्फ होगी, ठंड बहुत होगी। हमने 2020 में, मैंने और मेरे दोस्त फरहत पोल ने, हमने सोचा कि इस माइंडसेट को चेंज करते हैं, और कुछ सियासी जमातों ने कहा था कि फरन को हम बैन करेंगे। फिर हमने इसी तवारीखी लाल चौक पे फरन लगाकर हमने एक धरना दिया। एहतजाज भी था और हमारे कल्चर का रिवाइवल भी था। फरन एक सिंबल है जिसमें कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का हिंदू, सिख भाई, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती भाई है, मुजफ्फराबाद के मीरपुरी भाई, हम सारे लोग फरन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि फरन हमारा एक यूनिटी वाला सिंबल भी है। फरन इज नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट्स नॉट एन अटायर, इट इज वन ऑफ द मेनी कल्चरल सिंबल्स ऑफ कश्मीर। तो हमने इस चीज को रिवाइव किया और शुक्र है परसों में जम्मू में था, अभिनव थिएटर में भी फरन डे मनाया गया हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने। बहुत ही खूबसूरत और कल्चरल फेस्टिवल था वहां पे। आज हमारे जो ये नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, इन्होंने जिस खूबसूरती से फरन को डिस्प्ले किया, दिस इज अ क्लियर मैसेज कि एक नई सुबह होने वाली है कश्मीर में, जिसमें खुशहाली होगी, अमन तरक्की होगी, और जो भाईचारा, जिसके लिए कश्मीर बहुत मशहूर रहा है पूरे बरेसगीर में, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, जिसमें कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का सिख, कश्मीर का हिंदू भाई एक साथ भाईचारे से, मिलनसार से रहते थे, उसका रिवाइवल हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करूंगा हमारे सारे जो कश्मीरी भाई है, चाहे वो कश्मीर में रहते हो, जम्मू में रहते हो, मुल्क के दीगर रियासतों में रहते हो, या किसी और बैरून मुल्क में रहते हो, आज के दिन कम से कम फरन पहनकर एक सेल्फी उठाए, एक वीडियो पोस्ट करे, उस वीडियो के जरिए मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम फैलाए।